बस लेते हैं। तो एक बार एक राजस्थानी औरत ने अपने हस्बैंड, वो सवेरे से उठी झाड़ू लगा रही थी, तो उसने अपने बेडरूम में झाड़ू लगाया। उसने झाड़ू लगाते लगाते हस्बैंड बैठा था बेचारा, उसको कहते ज़रा सरको सरको, तो वो उठ के लिविंग रूम में ड्राइंग रूम में चला गया। फिर ड्राइंग रूम में आ गई वो झाड़ू लगाते लगाते, ज़रा सरको से, तो वो सरक गया। फिर वहाँ से वो बरामदे में आ गया। फिर वो फिर और आगे झाड़ू लगाती हुई आई बरामदे में, और उसने कहा ज़रा सरको, तो फिर सरक गया, थोड़ा आगे गया, आगे आंगन था, आंगन में जाके बैठ गया। उसके बाद वो आंगन में आई, फिर कहती ज़रा सरको, वो फिर ना चुपचाप बाहर निकल गया घर से। तीन दिन तक उसने अपनी शक्ल नहीं दिखाई, तो वो बीबी हैरान हो गई भी, परेशान हो गई भी, वो कहाँ चला गया। तो फिर 3-4 दिन के बाद उसका फ़ोन आया, मैं जोधपुर पहुंच गया हूँ और सरकों के। तो एक आदमी जो ढोल बजाता था, ढोल बजाने वाले होते हैं मोटा मोटा ढोल लेके पीटते हैं जोर से शादियों में, तो एक तरफ उसने दोनों तरफ एक एक औरत की फ़ोटो लगाई थी। फोटो अलग अलग टाइप की थी, अलग अलग शक्ल की, मतलब एक शक्ल की नहीं थी। तो किसी कोई बुजुर्ग आदमी उठा, उसने कहा लगता है तुम बहुत नारी प्रेमी हो। तो उसने कहा नहीं ऐसी बात तो नहीं है। तो उसने कहा तुमने अपने ढोल के दोनों तरफ फोटो लगाई हुई है। तो कहते हाँ लगाई हुई है। कहते कौन है, क्या है, किस कारण क्या है। तो कहता कुछ नहीं, एक तरफ तो मेरी सास की फोटो है और दूसरी तरफ तुम समझ ही गए होगे किसकी हो सकती है। अच्छा, एक बड़ी, आजकल अंग्रेजी बोलना बड़ा, हिंदुस्तान में तो शुरू से ही अंग्रेजी बोलने वाले को बहुत महान कहते हैं। तो एक औरत गई दुकान पे, तो अब उसको कहती है कैन आई हैव डिस्ट्रॉयड हस्बैंड। तो अब बेचारा दुकानदार परेशान हो गया, सब्जी की दुकान थी फ्रूट की, तो अब समझ नहीं आया ये क्या कह रही है, क्या चाहिए इसको। कि आई वांट डिस्ट्रॉयड हस्बैंड। थोड़ी देर बाद उनको दिमाग लगाया, खूब सोचा, फिर उसने कहा नाशपाती मांग रही है। एक और था कि वो सब्जी वाला भिंडी पे बार बार पानी डाले जा रहा था, तो फिर वो औरत आई उसके पास, तो उसको कहती है अगर आपकी भिंडी को होश आ गया हो तो मैं भिंडी, मेरे को 2 किलो भिंडी तोल दो। तो एक औरत जो थी वो अपने बच्चे को पीटे जा रही थी जोर जोर से, बेचारा पति आया, उसने कहा कि क्यों मार दियो बेचारे बच्चे को इतना। कहते देखो ना, मैंने इसको कहा तू अच्छे से पढ़ाई कर, तो वो कहता है, मैंने कहा तू अच्छे से पढ़ाई कर तेरे को अच्छी पत्नी मिलेगी। तो उसने कहा मेरे पापा ने भी तो बहुत पढ़ाई की है, क्या मिला है। तो एक लड़का जो था दोस्त, अल्लाह दूसरे दोस्त को कहता है अगर मैं नारियल के पेड़ पे चढ़ जाऊं, मुझे इंजीनियर कॉलेज की लड़कियां दिखाई देंगी। तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर दिखाई देंगी, और अगर तुम हाथ छोड़ दो तो तुम्हें मेडिकल के भी दिखाई देंगी। तो एक आदमी और एक औरत आराम से बैठे प्यार से बातें कर रहे हैं, पुरानी पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। तो औरत बोलती है, आदमी बोलता है देखो ना चोरी की बातें हो रही थी, चोरी चोरी की बातें जैसे होती हैं। तो उसने कहा जो इंसान चोरी करता है तो वो बाद में बहुत पछताता है। तो फिर जो औरत थी बड़ी रोमांटिक हो गई, उसने कहा हाँ तुमने भी तो मेरी नींदें चुराई थी, तो
तुमने भी तो मेरे दिल चुराया था। तो उसने कहा, मैंने कहा तो है, वो बाद में बहुत पछताता है। ओके जी, पार्ट टाइम हो गया, हुक्म आ गया, थैंक यू सो मच।